बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। साइखास आंबर मंजिली के ई नंबर का इशू चल रहा है। आपको पता है व्हाट्सएप के ऊपर मैं भाइयों को रिप्लाई कर देता हूं, उनको बता भी देता हूं। मैं इस वीडियो में इसके मतलब एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो शेयर कर लूंगा मैं। यार बड़े महीने जो है ना, यानी कि आंबल एंड साइक शाहना, साइक अमूमी या इससे रिलेटेड कोई भी बड़े महीने हैं या कंपनी किसी का वीज़ा है या किसी मुसस्से का वीज़ा है, तो भाई वो उनके ई नंबर निकल रहे हैं, वो वीज़ा स्टैम्प भी हो रहा है, बंदे सफ़र भी कर रहे हैं। विजिट वीज़ा में भी इशू चल रहा है। कल के मेरे पास 3 से 4 केस आए व्हाट्सएप नंबर पर। इस वीडियो में फिर आपको दिखा दूंगा मैं आगे, आप देख लीजिएगा। कोई किसी किस्म का मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं वक्तन फक्तन यार कोशिश करता हूँ तमाम भाइयों को रिप्लाई मिल जाए, लेकिन यकीन कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर भाई मैसेज इतने आते हैं कि कुछ बंदे रह जाते हैं, उनको एक एक दो दो दिन रिप्लाई नहीं मिलता, उसके लिए माजरत खवाऊँ मैं। तो बहरहाल जी, बात करने का सिर्फ मकसद ये है, कल से दो से तीन केस मेरे पास ऐसे हैं जो जिन्होंने भाई विजिट वीजे के तौर पर अपनी फैमिली के वीजे लिए, तो उनके भी ई नंबर नहीं निकल रहे, उनके भी वीजा स्टैंप नहीं हो रहे हैं। यार साइखास में अकेला मुश्किल हो तो भाई फिर इनके तो वीजा स्टैंप हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहे हैं। बहरहाल जी, मेन टारगेट के ऊपर साइखास आमन मंजिली आमला मंजिलिया या इससे रिलेटेड कोई भी छोटा महीना यही अभी आ रहे हैं, इनका इशू चल रहा है। बाकी तमाम तर वीजों का मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इशू क्लियर हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले कल एक भाई ने मुझे ये भी ट्वीट की, व्हाट्सएप के ऊपर एक पिक्चर भेजी और लिखा हुआ था कि सहाय खास आमल मंजिली के भाई मंडे वाले दिन से, यानी कि सोमवार वाले दिन से वकाला एंड ई नंबर मतवातर तरीके से लगना शुरू हो जाएंगे। बेफिक्र रहें भाई, आपके तो मैं बोलता हूँ मुँह में ना घी शक्कर डालनी चाहिए, यकीन कीजिए। जितना आवाम तंग है ना, और यकीन कीजिए मैं एक दो बातें कर लूँ यार, वीडियो चलती रहेगी, इसके लिए माजरत खाऊँ। आप भाइयों की तरफ से ऐसे मुझे बताया जाता है, यकीन कीजिए कि भाई ने मुझे ये बताया कि भाई मैं 4 लाख रुपए की अपनी घर की जगह या साथ वाली जगह जो भी थी 4 लाख रुपए की बेच कर वीज़ा लिया, तो भाई अभी ई नंबर ही निकल रहा है। यकीन कीजिए भाई, मेरे लिए तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है, मैं तो सड़क पर आ जाऊँगा अगर ये मसला क्लियर ना हुआ तो। मुझे यार आप बिल्कुल दुखी, मैं बोलता हूँ, मैंने उसका मैसेज सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसके अलावा ऐसे ऐसे बंदे हैं जो अपने मसाइल शेयर नहीं करते हैं पर्सनल। यकीन कीजिए सऊदी अरबिया का वीज़ा लेना बंदे ने, आप ऐसे ही है जैसे अगर आप नेट कैश दे रहे हैं सारा पहले ही, तो आप ऐसे ही है कि अपने घर की जमा पूंजी जो भी इसके अलावा जो कुछ आपको दिखा घर में, आप सब कुछ बेच कर वीज़ा ले रहे हैं। यार गरीब आवाम जाती है ना, मेरे जैसे आप जैसे भाई जो भाई खाते पीते हैं पाकिस्तान में, जिनका काम अच्छा चलता है, उनको क्या जरूरत है सऊदी जाने की। बहरहाल जी, इसके मतलब एक तो बात पहले जो बताऊँगा वो ये है जी, आंबल मंजिली इन इसका जो महीना चेंज होकर आमल तदबीर मंजिली, आपको पता है मैं आपको साथ में दिखा भी रखा हूँ, ये टाइप का हो चुका है। साय खास इसका महीना चेंज होकर सायक सियारा खास हो चुका है, ठीक है। ये नए महीने जो सऊदी अरब ने मुतारफ करवाए थे, आपको बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, इनमें देख रहे हैं इनका नाम वगैरह लिखा हुआ है। ये जो सऊदी अरब ने नए महीने मुतारफ करवाए थे ना, उनमें इन दोनों महीनों के अलावा और भी जो महीने, यानी कि जो पुराने निकलते थे वीज़े घरेलू मुलाजमा के तौर पर, घरेलू वर्कर के तौर पर, उनके महीनों में कुछ रद्दोबदल की गई। तो भाई अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रखी है ना, आज एक भाई ने मुझे अपनी ये जो एक पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं आपको एम्बेसी से वो बोल रहे हैं जी कि वापस हुई है मेरा ये वीज़ा, और इसका मसला जो एजेंट की तरफ से मुझे बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि एम्बेसी की तरफ से ये लिख कर भेज दिया गया है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही है भाई आपका मसला क्या था। देखें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जूम करके जो दिखा रहा हूँ ना, उसमें लिखा क्या हुआ है, अल्फाज अलमाइना, ठीक है। यानी कि आप भी देख लें, अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास या आप बेहतर तरीके से पढ़ सकती हैं, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, नंबर आपको दिखाता हूँ मैं आगे। और मुझे तो जहाँ तक इसकी समझ आई वो यही आई जी कि इस भाई साहब को जिनका महीना साय खास का था, इनको ये कहा गया है कि अपना महीना चेंज करवाएं। अभी साय खास को आपने साय सियारा खास करवाना है, वो कैसे करवाना है, उसके लिए आपने जिस किसी एजेंट से जिस किसी भाई से अपना वीज़ा लिया है ना, उससे रब्ता करें, उसको बोलें कि जिस सऊदी से तूने वीज़ा लिया था उसकी मिन्नत समाजत कर, उसको बोल के मेरा जो वीज़ा है ना इसका वकाला नया बना दे। वकाला बनता है पहले वीज़े का सऊदी अरेबिया में, सऊदी के भाई 5 मिनट का ही काम है, वो आप ही के नाम के ऊपर एक वकाला नया बनाएगा, लेकिन उसमें महना जो है ना साय खास को साय सियारा खास कर देगा, आमल मंजिली को आमल तदबीर मंजिली कर देगा। ये एक काम आप ज़रूर करें, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर तो किसी भाई का वीज़ा ऐसे स्टैंप हो जाए आने वाले कुछ दिनों में तो हो जाए, वरना आपको भाई ये काम करवाना पड़ेगा। जो कि अभी की ताज़ा इन सूरत आ रही है सामने, उसको देखते हुए व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मैं दिखा रखा हूँ मैं,
आपने इससे रिलेटेड कोई भी और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक चीज़ वीडियो के लास्ट में फिर बोलता चलूँ, अगर आप सऊदी अरब में पहले रह के आ चुके हैं, किसी भी सूरत में सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं, अभी दोबारा जाना चाह रहे हैं, तो अपना खरूज का या मतार का पेपर ज़रूर चेक करवाइएगा, ज़रूर निकलवाइएगा। हो सकता है आपने वो पेपर चेक ना करवाए हों, वो पेपर अपने निकलवाए ना हों, इसीलिए आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा दिया है मैंने, निकलवाने के मतलब मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ आप कैसे निकलवा सकते हैं खुद से। अगर आपने हमसे निकलवाना हो तो हमसे